There's a fifth too, I think. भाई, step out करके छक्का मारेगा अगली बॉल पे। पागल है क्या? उससे बॉल टच हो नहीं रही। 100% छक्का मारेगा। नहीं मारेगा, मिस होगा। शर्त हो गई? शर्त लगा ले। 100-100 की? पक्की बात है। अरे बच्चे हो गया तुम लोग। क्या 100-100 की लगा रखी? बड़ा सोचो यार। बड़ा बड़ा मतलब? बड़ा मतलब पैरी मैच। पैरी मैच, पैरी मैच, That's huge! पैरी मैच की वेबसाइट पे जाओ, बेट लगाओ और जीतो। 100-100 नहीं, सीधा हजारों लाखों करोड़ों कमाओ। Place your bets on your favorite sports like cricket and football and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. Parimatch.com. मेरा देश भारत, आबादी 135 करोड़, उसमें से आधी फीमेल लड़कियां।
क्या सपने पालती हैं, कितनों के पूरे हो जाते हैं, कितने अधूरे रह जाते हैं, ये तो कोई भी लड़की सच सच बता देगी। राजा बेटा कॉलेज पढ़ेगा मेरा, बेटी चूल्हा फूके, और फिर 18 के होते ही हाथ पीले। स्टोरी फिनिश। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कड़छी तवे के बदले में पकड़ी मैंने तलवार। मैं साइना नेहवाल हूं, भारत की बेटी। तलवार हाथ में लिए खड़ी हूं। एक और इम्तिहान, एक और युद्ध को अंजाम देने। सामने कौन है इससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ध्येय एकदम सरल, सामने वाले को चित कर देना, मार देना। Saina serving at match point now for her individual Commonwealth Games gold medal. गेस कर सकते हो, एक पावरफुल स्मैश बैडमिंटन शटल को ओपोनेंट की तरफ किस रफ्तार से ले जाता है। अगर शोएब अख्तर की रावलपिंडी एक्सप्रेस 161 की रफ्तार से चलती है, तो मलेशिया के टैंग गुंग होइंग का शटल 493 किलोमीटर की रफ्तार से सामने वाले की धज्जियां उड़ा देता है। मेरा ये वाला था 357। Tremendous achievement for all of us as Indians to see that national flag going high and to see that Jana Gana Mana getting sung on foreign soil. We open the floor for Q&A now for all of you to have an interaction with her. लाखों सवाल, कैसे जवाब दूं, क्या जवाब दूं? Yeah, I'm
लुकिंग वेरी हैप्पी. अच्छी फाइट ली उसने एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. जब आपने कहा दिस में भी हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर एक्टर लाइक आपने से पूछ लिया आपके साथ रियो में 2000 आलिया जी आपको किस प्लेट में खाना पसंद है. अरे भाई ऑफ कोर्स जीत वाली प्लेट ही अच्छी लगती है, किसे अच्छी नहीं लगती. अगर मैं आज हारती तो डेफिनेटली सबसे सुनना पड़ता कि सूरज ढल गया, हो गया, इट्स ओवर फॉर साइना. हार जीत तो चलती रहती है, किसी को तो हारना ही होता है. आज वो हार गई बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. फिर भी साइना ये हम हर किसी में नहीं देखते, कहां से आता है ये सब, ये ताकत, ये जिगर. मेरी माँ एकदम जबड़ी है और अलग ही खून दौड़ता है उसकी रगों में, तो वो खून मेरे पे भी दौड़ता है तो मैं क्या करूं. पर कोक समझती है आप? नहीं वो वाला कोक नहीं, माँ की कोक. तो वहीं से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने. ऐसा लग रहा था जैसे जहाज तूफानी लहरों की चपेट में आ गया हो. क्या कर रही हैं आप? सच छोड़ दीजिए, जीतना जरूरी है क्या? अरे जाट नहीं हो? लपकते लपकते जहाज तो पहुंच गया किनारे. अरे डॉक्टर साहब मुबारक हो, लक्ष्मी आई आपसे. जिस तरह से बांग लगा रही है ना, बहुत पावरफुल लगती है. के बारे में जानकारी लेने बोला था, के पता चला? ए राम आप भी अच्छा, आपके लिए ऑप्शन थारे लिए नहीं है, खड़ी रही हो बताओ. ये क्यों लड़ाई ले रहे हो, पता को जवाब दो ना. अरे वो 25 किलोमीटर दूर है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, लेकिन वहां सब सिखाते हैं. ये नानी सर, मेरू सर, आरिफ सर सब हैं वहां पर. और अरे इस इन्फॉर्मेशन का मैं अचार डालूंगी. ये बताओ इस लड़की ना वहां कब लेकर जाओगे? देख नहीं रहे स्टेडियम बना दिया घर का. दर्द हो रहा है बहुत. आप तो ना रहे दो डॉक्टर साहब. चल तू तैयार हो ले, मैं लेकर जाऊंगी. आप तो मना बस का भाड़ा दे दियो. चल 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 खड़ी हो, चल चल जल्दी कर. घंटे भर से हैदराबाद दर्शन चल रहा है, पता नहीं ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कब आएगा. एक से एक प्लेयर,
और आज उनके बीच खुद को आजमाने की बारी आ गई थी। जहां तो जाना ही था। What is your name? Anshika. Anshika. Yours? Tanishka. Sir. Joining date? 16th April. Ma'am, please don't disturb her. Sorry, ji. Father's name? Mohit. हाँ बोलिए। सर वो मुझे अपनी बेटी का ना कैंप में एडमिशन करवाना था। कैंप अपोल हो गया मैडम। अंशिका अंशिका गो टू द कोर्ट वन। सर आप बस एक मौका तो। पावर यहाँ हैदराबाद ना दिखा दे थे जब ही मांगेंगे खुद जो बेस्ट है और पूरी ताकत लगा के खेली है। समझती है सुबह मैं हरियाणा से है ना। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ जी मैं मम्मी हूँ। मिसेज उषा रानी हरवीर सिंह जी नेवाल और जी ये मेरी छोटी है साइना। साइना ग्रिप दिखाओ बेटा। अरे रैकेट पकड़ा है कि तलवार पकड़ा है? किसने सिखाया? ये तो जी मैंने ही सिखाया है। आप खेलते हैं क्या? हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलती थी हरियाणा में। मेरू पानीपत नीचे युद्धन जैसे युवराज चिंदे। पानीपत नहीं हम तो हिसार से हैं। अभी पिछले हफ्ते राजेंद्र नगर आए हैं। हमारे डॉक्टर साहब पीएचडी हैं। आप कल से लेके आ जाइए फॉर रेगुलर कोचिंग तलवारबाजी। ओके बेटा गो एंड प्ले नाउ। कश्यप प्ले विद आवर वॉरियर प्रिंसेस रानी रुद्रमदेवी। अपने तो डेढ़ डेढ़ फुट लंबी लड़कियों को हैरान कर दिया इसने। अच्छा उसके बाद ही वो सब तेरे पास आए थे ना और वे तेलुगु में कुछ बोलने लगे। तेरा कुछ समझ में नहीं आई थी मैंने कहा बच्ची हम तो हरियाणा से हैं हमें तो ये सब समझ में नहीं आता। तब जाके बात बनी और कल तो रेगुलर कोचिंग है। और नहीं बनी तो बनाई दोगी क्यों शरण? आलू छील के रखे हैं चढ़ा दूं? ओए ना आज तो पराठे खाएंगे हैं। पराठे मक्खन मार के पराठे। जहां सांसों ने दौड़ लगाई जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है जहाँ झीलों में चांद अभी तक है जहाँ सुने पे शर्तें ना हो लोग
इंडिया में लोग ढल गया दिन हो गई शाम गाते गाते बिल्डिंग के कंपाउंड में खेलते हैं और बोलते हैं कि बैडमिंटन खेल रहे हैं। वो बैडमिंटन नहीं है, बैडमिंटन एक इंडोर गेम है, महंगा खेल है। एक एक शटल ड्रम 3,000 रुपयों का आता है और इस शटल को हवा देने के लिए चाहिए 5 SS स्टैमिना, स्पीड, पकड़ के रखना इन 5 SS को, समझे? गुड, चलो गेट बैक योर कोर्ट्स, क्विक क्विक। अरे स्टैमिना तो हरियाणा की मिट्टी में है और स्पीड तेरे डीएनए में है। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो जब मक्खन मार के पराठे खिलाऊंगी ना तो ताकत तो अपने आप आ जाएगी है? और फिर साथ में खाइए बादाम और पिए जूस। और तेरा वो जो स्किल है, स्किल तो तेरे सर सिखा देंगे और तेरे में स्पिरिट टोकन का काम मैं कर दूंगी। बस चल चल चल, मुझे फटाफट तैयार है, चल चल चल। ट्रेनिंग एकदम जबरदस्त थी। रिस्ट मूवमेंट, शैडोज, रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड। लिफ्ट, टॉस, कीप, टैप, स्मैश, थ्री। कोई बहाना नहीं चाहिए, फटाफट करते हो। बैडमिंटन की फाउंडेशन मुझे LBS से ही मिली और साथ ही मुझे मिली मेरी पलटन, पगला दामोदर, प्यारा सलोहन और सबसे खास कश्यप। क्या कह रही है अपने सचने में? अभी तो इसने, अरे सर कंपटीशन सब सिखा देता है। पर मिसेस नेवाल, इसने तो अभी रैकेट पकड़ना सीखा है ना? सर आसमान में रातों पर छीनने बढ़िया।
मैच पॉइंट फॉर साइना नेहवाल एंड रिया सिंह. अंडर 10 डबल वन बाय साइना नेहवाल एंड रिया सिंह. अंडर 13 सिंगल वन बाय साइना नेहवाल. ए यो कमाल दूध का है. अंडर 13 डबल वन बाय साइना नेहवाल एंड मिथिला शाह. कहां से ढूंढ के लाए इसे? सुबह से देख रहा हूं चुपचाप बैठी रहती है. माँ दो ग्लास दूध लाकर देती है, कटक जाती है, उठती है फाइनल मारती है, फिर आके बैठती है, फिर दो ग्लास दूध, फिर उठती है, फिर फाइनल मारती है. चार घंटे में चार स्टेट टाइटल मारे तेरी बच्ची ने. कौन है ये? राना सर, साइना नेहवाल. साल की 8 वर्षीय बच्ची ने विशाखापट्टनम के स्टेट टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया. इस बच्ची ने एक ही दिन में 4 स्टेट टाइटल जीतकर एक नया स्टेट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. नंबर 1 के सपने पालना खतरे से खाली नहीं. अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल. नई गाड़ी में गॉगल लगा के घूमता है भाई अपना. हाँ पता है. अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा. पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, पैरीमैच.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा. तो आज ही पैरीमैच.com पर रजिस्टर करो, खेलो 1 से 1 जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर 3 पत्ती ब्लैक जैक एंड रूलेट और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस. अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस. पैरीमैच.com. कह रही हूँ पर ना समझती नहीं, बौखला जाती है. 3 पॉइंट तो ऐसे ही दे दिए लास्ट गेम में, दिखाई नहीं दे रहा था कि शटल बाहर जा रही है. और फिर वो ओवरहेड, अरे बैक एंड के शॉट को ओवरहेड मारने की क्या जरूरत है? अरे खो ही नहीं, खेल में हार जीत तो होती रहती है, किसी ना किसी को तो हारना ही पड़ता है. आज तुम कल मैं. आप बीच में बदना बोलो डॉक्टर साहब, और इसके कान तो भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. लाठी का सहारा दोगे ना तो उम्र भर लंगड़ाते लंगड़ाते चलेगी. तो क्यों दीदे फाड़ रही है? चल जा रूम में, जा वो खोल के बैठ अपनी कर पड़ेगी. सुनाई नहीं दिया और आज खाना भी नहीं मिलेगा. बात ने भीतर तो लगन दिया करो आप. ले अबू काट ले इसमें बना. तेरी मम्मी के लिए जीतना बहुत जरूरी है बेटा. एक किस्सा सुनाऊं? हिसार में मैं उनके साथ मिक्स डबल्स खेला करता था एज अ पार्टनर. फिर वो फाइनल हार गई मेरी वजह से. तो पता है अगले साल क्या किया? पार्टनर बदल दिया, मुझे ही चेंज कर दिया. कहने लगी रमेश चंद जी के साथ खेलूंगी तब जीतूंगी. मुझे तो डर लगा कहीं ये रमेश चंद जी भगा के ना ले जाए उसको. तो मां जीत गई? हाँ बेटे. चल अब पापा के हाथ से एक धोने वाले खा ले. पापा की तो बात ही कुछ और है. 2 बीघा जमीन वाले बलराज सानी खड़े हैं पीछे. पहले लगा करता था माँ ही सब कुछ है, सारे डिसीजंस में हाथ में डंडा जिगर में दम. पापा के किस्से तो बाद में पता चले. हाँ बेटा, ये ले.
एक्सक्यूज मी बेटा, दो शटल मिलेगा, मैं कल वापस कर दूंगा। नहीं मेरे पास सर। कैन आई बोरो टू शटल्स? आई गिव देम बैक टुमारो डेफिनेटली। 3,000 रुपए का 10 मिलता है, कब तक ऐसे चार जगह से दो दो मांगकर चलाएगा? छोड़ो ये बैडमिंटन बैडमिंटन, ये सबके बस का बात नहीं है। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ क्या? कम इन। सर क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों आप रहे? सर वो पीएफ लोन चाहिए था अर्जेंट सर। क्यों? सर वो शटल चाहिए, मतलब शटल लेने के लिए लंच किया और तो सर वो पैर फिसल के स्मॉल टू में फ्रैक्चर और फिर वो लिगमेंट भी टियर हुआ सर। अच्छा, किसका? मेरी बीवी का सर, वाइफ। आई सी। अच्छा लाओ, फिर तो जल्दी करना पड़ेगा। प्लीज सर। आप आज डे ऑफ ले लीजिए। थैंक यू सर, आई विल टेक केयर ऑफ माई वाइफ सर। थैंक यू सर। पापा शटल। बस पापा शटल देते गए, मैं मारती गई और किससे छपते गए। छोटे छोटे न्यूज कॉलम्स को भी पापा ने तो हेडलाइंस बना दिए। एक एक टूर्नामेंट, एक एक जीत, एक एक मेडल और अवार्ड का रिकॉर्ड माँ की दहकती जुम्बिश का नतीजा। माँ और पापा दोनों जैसे आग और पानी, इस संतुलित तालमेल ने हरियाणा की छोटी दूध पीती बच्ची को भारत की लड़कियों के सिंगल्स फाइनल में ला खड़ा कर दिया। चेन्नई के चिदम्बरम गार्डन्स में हो रहे जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश की उभरती खिलाड़ी साइना नेहवाल मुकाबला करेंगी उत्तर प्रदेश की 3-time नेशनल चैंपियन शहनाज रिजवी के साथ। और साइना ने शहनाज को 80 पॉइंट लीड कर दिया है। अपने धुआंधार प्रदर्शन से साइना गेम जीतने से सिर्फ 1 पॉइंट दूर। हरियाणा की पहलवान बोलते थे इसको, दिखा दिया इसने तो। लव इन लव नेशनल है, नेशनल फाइनल चल रहा है, समझ में आ रहा है? नॉट एट ऑल, ऐसा लग रहा है शहनाज को साइना की प्रैक्टिस के लिए बोला है। सेकंड सेट बाकी है मेरे दोस्त, हार सकती है अभी भी। इस मनुष्य को निकालो यहाँ से यार, हमेशा नेगेटिव बोलता है। रुक जा थोड़ा, देख आगे चल रही है, आगे चल। जीत
बनाए दोगी ये कहा था ना अपने डॉक्टर साहब जा रही है मेरी चैंपियन विदेश चेक ओपन खेलन पराग इंडिया ने रिप्रेजेंट करेगी इंडिया खेलेगी मेरी बेटी सामान ले आऊं दो दिन रह गए जाने में क्या सामान लगेज मत बढ़ाओ मम्मी काजू बादाम पिस्ते सब खरीदने हैं और लगेज की चिंता मत कर हैं वो बैगेज दोनों का मिला के 40 केजी अलाउड है मेरा कुछ सामान है नहीं काम बन जाएगा मैं हूं साथ में ना 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 तू अपनी रिकवरी कर 6 बजे तेरा दूसरा सेशन है मतलब गई और आई अच्छा सुन तेरी वहां सीडी शीडी लाऊं हाँ शाहरुख ही ले आओ कोई
बावजूद ये नहीं मालूम आज रात बच पाएगी भी या नहीं। एक हाथ से दिया और 100 हाथों से ले लिया। ये कैसा खेल है? इसका अंजाम क्या है माँ? क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ये प्रार्थना का समय है बेटा। वही तो करने जा रही हूँ। Tremendous form.
home all along in this tournament. Yana, getting us underway. A brilliant smash. Sign down the pressure now. Yet again, she catches Sina wrong-footed, reeling off winner after winner from her racket. And Sina making a comeback. Brilliant play at the net. Superb placement. And now for a change of pace. A lovely smash. And brilliant placement again. Down the line smash, and she's won it. Celebrating this extraordinary win. चेहरा देखने लायक था। माँ ने तो पूरा बुके झपट लिया। बड़ी मुश्किल से रेड रोज बचा लिया बेचारे ने। क्या हुआ तेरे को आज? बड़ा खास है। बैडमिंटन के माफे लाइफ के गेम में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मिस हुआ तो गया चांस। राजन अपने शहर में एकेडमी खोल रहा है बच्चों के वास्ते, ताकि जिनके पास टैलेंट है उनके पास चांस भी हो अपना टैलेंट प्रूव करने का। मिडिल क्लास लाइफ में सिक्योरिटी का जुगाड़ करने में लाइफ आगे निकल जाता है, अपना ड्रीम पैशन के चक्कर में पूरा नहीं हो पाता। एक एक शटल का जुगाड़ करने में कितने चप्पल घिस जाते हैं मालूम है मेरे को। वो सिखाएगा, सब फ्री में, पैसा नहीं लगेगा पर दम बहुत लगेगा। आसान नहीं है, टाइगर से ज्यादा फुर्ती है उसमें और आर्मी जैसा डिसिप्लिन। जो झेल पाएगा वही खेल पाएगा। आज 5 बजे बुलाया आपने पूरा पलटन को, मैं तुम्हें यहां तक लेकर आया। और अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो ऐसे कोच मैं कहूंगा यू गैस मूव टू राजनगर में। LBS स्टेडियम यानी माँ का घर। छोड़ना क्या आसान होता है? सारे तेवर जिस घर ने सही है
उसकी सीमा को पार करके बाहर कदम रख रही थी। पहली बार मां के सपनों को गिनते गिनते Osaka is the second biggest city, and I don't know why people just know Tokyo, Tokyo. Daijima-san! I'm Rajan. Welcome to my academy. क्यों आए हो तुम लोग मेरे पास? Anyone? Actually, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच के आए मेरे पास, मगर मैं ये जानता हूं मैंने ये academy क्या सोच के बनाई है। बस स्पोर्ट्स कोटे से अगर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। मेडल दिखा के नौकरी चाहिए उसके लिए भी कोई जगह नहीं है मेरे पास। पासपोर्ट लेके अगर दुनिया घूमना है ना, आउट, अभी यहां से निकल जाओ। डोंट वेस्ट माय टाइम। पैसे कमाने के लिए मैंने एकेडमी नहीं खोली है, मैंने एकेडमी खोली है चैंपियंस बनाने के लिए। तो मुझे मेडल मिल रहे थे तब मैं भी ये कोल्ड ड्रिंक्स के बगल में फोटो खिंचवा सकता था, किसी पान टपरी पे लटक सकता था, मेरा घर आराम से चलता, बहुत पैसे मिलते मुझे, मगर मैं चैंपियन नहीं मॉडल बन जाता। नक्को, वो मुझे मंजूर नहीं। एज फॉर यू, मुझे वो चैंपियन नहीं चाहिए जो मन में जीत के बारे में सोचता है, मुझे वो चैंपियन चाहिए जो जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। तो बताओ कौन है जो ये सोचता है कि वो वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है? वेरी गुड, अच्छा एटलीस्ट तुम्हें लगता तो है। ये भूख बहुत जरूरी है, एज यू नो ताजमहल एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम चाहिए और मेरे पास वो सिस्टम है। अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो हर मैच जीत के आओगे, दैट्स माय प्रॉमिस। मगर अगर तुम लोगों ने एकेडमी का एक भी रूल तोड़ा देन यू आर आउट। वन मिस्टेक एंड यू आर आउट। गॉट दैट? यस सर। गॉट दैट? यस सर। या कॉफी के लिए रुके हो? लेट्स स्टार्ट। सर ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और दूध। कितने?
चार पांच पराठे और मम्मी ने कहा है कि 1.25 लीटर दूध पीना है दिन का। लंच? लंच में दाल चावल, कभी कभी रोटी और दही। देखो सना, जो डाइट है और जो गेम है वो कनेक्टेड होता है। बैडमिंटन का मतलब सर पार नहीं होता है, सिर्फ हम लोग कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। इट्स वेरी डेलिकेट, इट्स क्या बोलते हैं उसको, नजाकत होना वो है। मैं तुम्हारे स्मैशेस अच्छे हैं, बट स्मैशेस इज नॉट द गेम। स्ट्रेंथ के साथ एजाइल होना बहुत जरूरी है, लाइक अ कैट, यू नो, यू हैव टू बी लाइट ऑन योर फीट। राइट नाउ यू आर प्लानिंग वेरी हैवी, 10 kg कम करना पड़ेगा और वो भी फास्ट। सो बेसिकली पराठे बंद, दूध बंद, दही बंद, आइसक्रीम बंद, मुझे रिजल्ट चाहिए फास्ट। सॉरी, दिस इज योर डाइट चार्ट, फॉलो इट लाइक अ बाइबल। सर मतलब, लेकिन बंद मतलब क्या, दूध तो पीना ही पड़ेगा। सात बादाम, 5 अखरोट, बॉइल्ड वेजिटेबल और 12 एग वाइट। रोज 12 एग वाइट तो फिर पीले का क्या करेंगे? ये तो एक ही निवाले में लंच ओवर, कमाल हो गया। एक रोटी और बनाऊं? ना खाना अलाउड, ना पेरेंट्स अलाउड है तो भी। हरियाणा की लड़की से 10 किलो लॉस की उम्मीद, ना पराठे ना आइसक्रीम। हाय रे बैडमिंटन। कर यार, क्या कर क्या रहा है, क्या खेल रहा है तू बेटा? तेरा टाइम आ गया। रोहन देखा? देखा, तू जा और सर से बात कर ले। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे ना, तू जा। है ना, याद है ना, वर्ल्ड नंबर वन। जा
निशा को कोर्ट नंबर वन दे और उसको 2 घंटे प्रैक्टिस करने होगी। हाँ सर मैं हूँ। उसका मैं रागिनी पांडे को नंबर 3 शिफ्ट करना, उसको आधे घंटे देना। हाँ बोलो। सर वो कुछ बात करनी थी। सर वो आपने तो देखा ही है अकेडमी में हर लड़की को हरा देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस सर वो बात बड़ी करनी है तो वो फिलीपींस ओपन सर आप मुझे वहाँ भेज दो, आई वांट टू प्ले। बट उसमें तो कोई जूनियर कैटेगरी नहीं है। हाँ सर पता है इट्स वर्ल्ड सीरीज सर विमेंस कैटेगरी में आप मेरे को भेज दो सर, मेरे को वहाँ खेलना है। सीनियर्स में खेलना है? यस सर। यू वांट टू प्ले विद द बिग गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें पता कौन कौन आ रहा है वहां पे? रूबा भी, जूलिया वांग, ये वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं। हाँ सर तो क्या हुआ, मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी सर, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। चाइना की वॉल तोड़नी है? ठीक है तोड़ो, इसका नाम ले। पर मैं नहीं आ पाऊंगा, हम बिजी बिता देगा सर। क्यों आप नहीं आओगे तो सर? बिंबी सर बाबू है ना सर। बिंबी सर बाबू सर ऐसा मत करो। आई डोंट हैव टाइम। चाइना की बॉल तोड़नी है ना? यस सर। यहाँ क्या कर रहे हो? गो प्रैक्टिस। यस सर। थैंक यू सर। राधा रमन और दामोदर दामोदर नाम है। गुड फूड सर। डन उसका ना। नया टूर्नामेंट है, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेगी तो कुछ सीखेगी। वैसे भी चाइना और मलेशिया ने कहा इंडिया को क्वार्टर्स तक भी पहुंचने दिया है, अगर सेकंड राउंड तक पहुंच गई बहुत बड़ी बात है। आजकल के प्लेयर्स वर्ल्ड नंबर वन। इस एक जेस्चर से उसने मेरा दिल जीत लिया। कोई तुम पर इतना विश्वास करे तो और करना ही क्या है, जाकर बस मार देना है। शुरुआत भी काफी एक्सप्लोसिव हुई, फर्स्ट राउंड में जिन को हराया और चाइना निशा बता रही थी अमित आजकल खूब नोट छाप रहा है। हाँ पता है पता है पता है। अरे वो क्या, मैं खुद छाप रहा हूँ। पैरी मैच के बारे में सुना? पैरी मैच? अरे हाँ पैरी मैच। अरे कुछ ज्यादा नहीं करना, उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपने पसंद की गेम खेल, लाखों छाप लाखों। मैं भी जाता हूँ अभी पैरी मैच की वेबसाइट पे। पैरी मैच। Play your favorite casino games and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. Parimatch.com. Ek international world badminton series.
फाइनल में पांव रखा है एक भारतीय लड़की ने जिसका नाम है साइना नेहवाल। भारत के बैडमिंटन इतिहास में पहली मर्तबा कुचित करने के बाद आइए ना वर्ल्ड वुमेन्स फिलीपींस ओपन फाइनल वो खेलेंगे। साइना नेहवाल चीन मलेशियन प्लेयर जूलिया वोंगपेजियान के साथ। क्या साइना कल इतिहास रचेंगी? हर भारतीय उम्मीद लगाए बैठा है। मैं योगिता अवस्थी AGCPL न्यूज के साथ। पहुंच गई छरी। अरे भाई क्यों नहीं आ पाई? Few seconds to go for the commencement of the women's singles final here in Manila at the Philippines Open. We have got the tournament favourite Julia Wong up against this young sensation Saina Nehwal. The contest team for the first time on such a big stage. On my right, Julia Wong from Malaysia. On my left, Saina Nehwal from India. Agi. Julia to serve. Love all. Play. Julia Wong to serve in this women's singles final. Missing back, Julia Wong. Oh, now that should give Saina some confidence in these early opening stages. Brilliant smash by Saina down the line. Looking very powerful indeed. Once again, the mountain hit smash paying enormous dividends for Saina. Saina's power play coming to the fore. Again and again. Back to back points here with an explosive gameplay. He's got Julia on tenterhooks at this final. Smashes it on the line. 20, game point 15. I don't think Julia was expecting such explosive gameplay from young Saina here. Terrific pass. Oh, and Saina wraps up this first game. 21-15. First game won by Saina Nehwal. Let's go to Yara. Let's go to Yara. So, first game, third game, last game, 21-15. Saina's been terrific this tournament, and she continues her good form in today's game. Who could have thought that an 86th ranked player like Saina Nehwal sent shivers down his spine in Julia Wong? Players, back on court. Julia Wong under pressure, absolutely trounced in that first game. She walks back on court after a pep talk. With this second game, I anticipate very solid and very strong play from both players. Second game, love on, play. Saina getting us underway here. Oh, an unforced header there from Saina. Well, she's not going to be happy about that. She knows how valuable these early points are. Good play by Julia. And, excellent judgment there by Julia. Saina relying too much on her power play. Julia Wong playing a purely tactical game here. The talk with the coach clearly working. There again, Julia getting the better of Saina. Saina Nehwal with her back up against the wall. Julia Wong with a huge lead as 11-2 as we head into the mid-game interval. होने लगी थी जैसे उसने मेरा स्वाभाविक गेम पढ़ लिया। बस स्मैश 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 किए जा रही थी मैं।
गियर चेंज करना पड़ेगा। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग बैडमिंटन प्लेयर के खिलाफ दिल से खेलना काफी नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। 11 2 प्ले Assume you want to resume play. Perfect play from Sinan. Agility. 40. Light on the feet. Cat game effect. Beautifully played. 3-11, 4-11, 5-11, 6-11. Deception. Kahi pe nikali, kahi pe nishan. Yeah, unprepared for that placement. Dikhane ko ek, aur khelne ko dusra. Julia Wong. Anticipation. इंतजार करो शटल का और खेल मारो। And she's done it. She's clinched the Philippines Open. She has just become the first Indian woman to win a four-star international badminton event. And grand fashion. And that fight back in the second game is unbelievable. This has been a privilege to witness the arrival of this young star on the badminton horizon. Wonderfully riddled by badminton champion coach Sam Daman Rajan. Ladies and gentlemen, remember the name Saina Nehwal. She is here to stay. Hey, कैसा लग रहा है यार? हम सब तेरा गेम अकेडमी में देख रहे थे लाइव, बहुत मजा आया यार। क्या कर रही है? होटल रूम में बैठी हूँ, eating a scoop of vanilla ice cream all by myself। अकेले अकेले vanilla ice cream? तो क्या बिंबिसार बाबू के साथ खाऊं? और मस्त से अकेले भी उतना ही मीठा लगता है। क्या आइसक्रीम या विक्ट्री? ठीक है सर।
कदम उठाते उठाते जान ही नहीं पड़ता कि फ्लाइट में आगे टर्बुलेंस आने वाला है। लीव सर, क्या हुआ सर? तुम्हें पता है प्लेयर्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। यूथ जो है बहुत डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्ट करता है फिर डिस्ट्रक्ट करता है। यूथ को रिलेशनशिप पे गंवाना सुसाइड है, हाराकिरी। सर सर जानती हूँ सर, मैं अपना 100% दे रही हूँ। Is it? Yes, sir. तुम्हें हमेशा एक ही पार्टनर मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा। I have eyes, I can see what is happening. Sir, what is happening, sir? मैं बताता हूँ।
100 लोगों की फौज तुम्हारे पीछे दौड़ रही है इस वक्त, ट्रेनर्स, कोचेस, टीम, और उन सबके आगे दौड़ रही है कंट्री की सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट फैमिली, डेडिकेटेड, डिवोटेड, फोकस्ड, द नेवाल फैमिली। तुम्हें कंधे पे उठा के भाग रहे हैं और तुम उनके कंधे से जंप करके मंडप में बैठना चाहती हो। नहीं सर। इज इट? या तुम्हें वर्ल्ड नंबर वन बनना है? यस सर। मैं किसी के पर्सनल मैटर में, प्राइवेट लाइफ में नहीं घुसता हूँ। आई डोंट लाइक इट एंड दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैं फोकस पे फोकस करता हूँ, नजर पे नजर रखता हूँ। दैट्स माय जॉब एज ए कोच। और मेरा जॉब है कि आई वांट टू मेक यू वर्ल्ड नंबर वन। डू यू वांट दैट? यस सर। डू यू वांट दैट रियली? यस सर। एक लास्ट बात कहता हूँ, आफ्टर दैट नो डिस्कशन। गेम जीतने के लिए तुम क्या करती हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि गेम जीतने के लिए तुम क्या छोड़ती हो। जस्ट रिमेंबर दैट। क्या बोले सर? मैं तेरे को स्टूपिड लगती हूँ? नहीं यार, 8 साल की उम्र में जब सारी लड़कियां डॉल खेलती थी और बर्थडे पार्टीज पे जाती थी और मेलों पे जाती थी, मैं 3 बजे उठ के बैडमिंटन ट्रेनिंग में जाती थी। पूरी जिंदगी मैंने बैडमिंटन ही तो खेला, और करा क्या है? मम्मी ने और पापा ने और आबू ने जो सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, वो मुझे नहीं दिखते। वो किसी और को मुझे बोलना पड़ेगा, सर को बोलना पड़ेगा मुझे सैक्रिफाइसेस किए, मुझे नहीं पता। और तू नहीं मिलना मेरे को तेरे से। क्या बोल रही है सायना? सचिन से जाके क्यों नहीं कोई पूछता कि उसे 22 की उम्र में शादी क्यों की? क्योंकि वो मेल प्लेयर है, मैं लड़की हूं, मैं नहीं खेल सकती, मेरी लव लाइफ कुछ नहीं है, है ना? मुझे तुझसे नहीं मिलना। सब मत बोल रहा ना। नहीं मिलना मुझे तुझसे। सायना सुन, तू सायना बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। अपने अतीत से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था, लेकिन छुड़ाना पड़ा। भविष्य में था बैडमिंटन खड़ा। द्रोणाचार्य की इस अर्जुन को पेड़ पर बैठे पंछी की आंख अब दिखने लगी थी। शुरू हो गई वर्ल्ड सीरीज टाइटल्स की भरमार। एक के बाद एक तुक्के लगने लगे। जिंदगी बदल गई।
है ना, लिए दो डानर्स। ओके कॉस्ट्यूम क्लियर, आउट आउट, मेकअप आउट, साइनर रेडी? यस ओके एंड एक्शन। फ्लेमिंगो एंड एट फॉर अ न्यू लाइफ। अब रोज के खाने में पेश है ऑलिव एक्टिव, द अल्टीमेट कुकिंग ऑयल। सम्राट आटा, स्वाद जुलाई 7। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस मैम। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे 2 घंटे कब से खत्म हो चुके हैं। ये सुबह से मेकअप लगा के बैठी हूँ। पूछो ना, मेरी वहाँ प्रैक्टिस चल रही है, आई हैव टू गो। प्लीज आप मेरे मैनेजर को बुलाओ। नो सॉरी, वी विल जस्ट स्टॉप। कोर्ट क्यों खाली है? वेयर इज साइना? हाँ जरा 2 घंटा रिक्वेस्ट किया। अगेन कोर्ट रिजर्व किया हुआ है और खाली है, और यहाँ प्लेयर्स लाइन में खड़े हुए। सुपर। लवली, ओह यस, ब्यूटीफुल, सुपर। Champs, you can use this code. Enough is enough. अगर कोर्ट रिजर्व किया हुआ है और क्लियर नहीं है, कोर्ट कभी खाली नहीं रहना चाहिए, इवन इफ इट्स साइन अप। वन मोर प्लीज। लवली, वन। सर वन मोर नहीं होगा, सुबह से फुल पावर स्मैश मारने जा रही हूँ। मैं गिर गई, फिसल गई या इंजरी हो गई तो मेरे गेम का क्या होगा? Let's just do a few more और फिर we'll wrap it more. I've been meaning to ask you, is Saina ka kuch zyada nahi ho raha? She has become a youth icon of our nation. Sachin ke baad is Saina. Lekin itna advertising exposure, ye kaise hone de rahe ho? Olympic medalist, world number 2. I didn't have the heart to stop her. Ek ke baad dusra hai, teesra hai, chautha. This endorsement, that endorsement. I mean, on those managers, God. I don't want to force my will. और ऐसा ना लगे ना वो अंगूर खट्टे हैं। तुम्हें कौन कह सकता है अंगूर खट्टे हैं राजन? I mean, ये सारे opportunities, ये सारे मौके चल के आए थे तुम्हारे पास। I mean, satellite revolution का poster boy तुम भी बन सकते थे। पार्वती, सक्सेस इज ए हेडी प्रूफ, इट्स नशा। अगर डाइजेस्ट ना हो ना तो वो पेट खराब हो जाता है, कैन लीड टू एन अपसेट। आई पिन Nice.
सॉरी सर, सॉरी सर, सर आपसे बात करनी थी। ओके चेंज चेंज चेंज। साइना तुम्हें अपना पहला दिन याद है? क्या बोला था मैंने? अगर कोल्ड ड्रिंक के साथ फोटो खिंचवाना है, पान बीड़ी शॉप पे अपना पोस्टर लगवाने की इच्छा है तो गेट आउट। राइट लेग, आई सेड राइट, स्ट्रेच, बैठ अप। मैंने अभी एकेडमी बनाई थी ना, तो एक एक ईंट यहां लगवाई थी ना, तो सोचा था कि यहां से चैंपियन निकलेगा जो अच्छा बैडमिंटन खेले। साबुन तेल बेचने के लिए मेरी ट्रेनिंग की जरूरत होगी? नहीं सर, मैं साइना, डर असल में इस बात का नहीं कि हम बड़े सपने देखते हैं जो पूरे नहीं होते, असल में डर तो इस बात का है कि हम छोटे सपने देखते हैं तो पूरे हो जाते हैं। Excuse me. ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सारे बच्चे अभी भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और उनको मेरी जरूरत है। या यूं कहूं कि मुझे उनकी जरूरत है। अब सिर्फ तुम्हें सर बाबू तुम्हारे कोच होंगे। He's gonna train you. सर? Okay, everyone, everyone, come here, come here, come here, come here. मुझे ये पूछना है सबसे, चैंपियन कौन है? बस चार। गुरु का आशीर्वाद जैसे युद्ध में तलवारधारी योद्धा की ढाल। कहां खो गई मेरी ढाल? क्यों खो गई मेरी ढाल? मैच वन बाय यूई हाशिमोटो। मैच वन बाय सुन यू। 21-16, 21-15, 21-17, 21-10 That goes to Wang Yiha. जाने क्या हो गया है साइना नेहवाल की गेम को, बिल्कुल अपनी लय में नजर नहीं आ रही है। साइना नेहवाल फंसी हुई, शायद उनकी एड़ी मुड़ गई है। अत्यंत पीड़ा में नजर आ रही है साइना नेहवाल। डॉक्टर कोर्ट पे आ चुके हैं और साइना नेहवाल की चोट का मुआयना करते हुए शायद उनको अब स्ट्रेचर की जरूरत पड़ रही है। ये तो बहुत ही गंभीर चोट मालूम पड़ रही है। Hey, are you feeling okay? फीलिंग तो मैं बताता हूं, डॉक्टर ने 2 महीने का रिहैब बोला है, जमीन पे पांव तक रखने को मना किया है। अब गेम है तो इंजरी भी है ना, कुछ नहीं हुआ पापा, सब ठीक है। राजन सर, वो तो जकार्ता में है, अब आ रही है कलपुरी पलटन। मैम स्पंज बात का टाइम है। सिस्टर आप लोग बाहर जाओ जरा। चलो चलो।
साथ के जूनियर प्लेयर्स निकल पड़े हैं ऊंचाइयों को छूने। जिस तरह से ये तराजू तेजी से साइना को नीचे ले जा रहा है और बाकी सारे प्लेयर्स को ऊपर, क्षितिज में साइना के बैडमिंटन के सफर का सूर्यास्त नजर आने लगा है। मैं योगिता अवस्थ, AGCPL न्यूज़ के साथ। कैसा था? सही नहीं था, छोड़। कोई बात नहीं, चिल करो। अगला कौन सा है? कोपेनहेगन। I wish I could also come, यार मुझे भी आना है। तेरे को क्या जरूरत है सायना, सब तो है तेरे पास। 2010 था, 2012 था, सच फैबुलस इयर्स थे ना यार। सारी सुपर सीरीज चैंपियनशिप्स है तेरे पास और एक ओलंपिक ब्रॉन्ज भी रखा है घर पे। अब इन किसके पास है ये सब पूरी इंडिया में? तू ऐसा कर, तो एकदम रेस्ट कर, चिल कर, रिलैक्स कर, छोड़ यार ये सब। एक मस्त ऑटोबायोग्राफी लिख, टाइम ही टाइम है तेरे पास। हो गया कॉफी पी के निकले? क्या हुआ? मेरी टांग क्या टूटी, इन लोगों ने तो मेरा फ्लैशबैक ही बना दिया। पर कुछ गड़बड़ हो रहा है कि पिछले 2 साल बहुत बेकार बीते हैं यार। कुछ रह गया यार, कुछ रह गया। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तेरा तरीका अलग है सायना। तू जा राजन सर से मिल, उनसे बात कर, ये रिजॉल्व कर यार। यू नीड टू गेट बैक इन टू एक्शन। कीपिंग द नी स्ट्रेट, very good, take it down, up, slowly down, bend it more, take it down, very good, chalana hai, ek, do, move your fingers down and up, one more, relax. Sir, come on. Get up. Come on, sit. ये लगता है तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ सर, वो कह रहे कि टाइम लगेगा अभी तो। सर आप हॉस्पिटल नहीं आए? बहुत काम है। तो तुम यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आई हो? नहीं सर, आपसे मिलने आई हूं। ग्रेट, तो मैं खड़ा हो जाऊं, तुम बैठोगी? नहीं नहीं सर, आप क्यों खड़े हो गए? सर मुझे तो आपसे कुछ पूछना था। प्लीज सर, आप तो मुझे भूल ही गए, आपने मुझे माफ ही नहीं किया। आपने जो कहा मैंने वही किया सर, पर आपकी तो नजर ही हट गई मुझसे। मेरी गेम भी फिसल रही थी सर, आप तब भी नहीं आए। सर आई नीडेड योर टाइम सर। और मैंने तुमको टाइम नहीं दिया, राइट? तुम्हें पता है ये एकेडमी मैंने इसलिए खोली थी कि एक दिन मैं साइना नेहवाल को वर्ल्ड नंबर 1 होते देखना चाहता था। यू नो दैट, राइट? यस सर। तुमने जो कुछ भी किया मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया।
जबकि तुमको इस एकेडमी का रूल पता है, वन मिस्टेक एंड यू आर आउट। मैंने ऐसा किया सर, प्लीज मैं आई एम सीरियस। 2004 से रोज 6 घंटे मैंने तुमको प्रैक्टिस दिया, दैट मींस इफ आई पुट मैथ टू इट 25,920 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, माय टाइम, माय इन्वेस्टमेंट। यस सर। इतना टाइम लगाने के बाद भी अगर मैं तुम्हें वर्ल्ड नंबर वन नहीं बना पाया तो शायद मुझ में बात ही नहीं है। आई फेल्ड। नहीं सर, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोलूं, तुम में वो बात नहीं है? यू आर नॉट गुड इनफ, यू फेल्ड। सर सर आप ये सब क्यों कह रहे हो? तो तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या बोलती? तो मैं कहती शायद शायद ये एकेडमी तेरे लिए सही नहीं है साइना। फैसले खुद ही लेने चाहिए। क्या करोगी सोचा है? सर मैं आपकी जगह होती तो इसकी फिक्र ना करती। सर एकेडमी छोड़ रही हो या बैडमिंटन में? सर बैडमिंटन नहीं छोड़ सकती मैं। हाँ पर जो छोड़ सकती थी वो आज छोड़ के जा रही हूँ सर। बंदी में फंस कर तैश में सब छोड़ के आ गई। अरे क्या करना है इनका, क्या कहें इनको? इतनी बड़ी एकेडमी छोड़कर, इतने बड़े कोच को छोड़कर कहाँ जाओगी, क्या करोगी बेटा? पापा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी? तू जा भी जाएगी, जिसके पास भी जाएगी और जिस कोच से भी तू ट्रेनिंग लेगी तू तो उसी का ही नाम रोशन करेगी ना। ये मीडिया का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने अपने गेम का ध्यान दे। इस शक ने मन में घर मत ना बना दे। शेरनी है तू, साइना नेहवाल है तेरा नाम। मां ने बागडोर संभाल ली, उसने कहा यहां से निकल चलते हैं, हम बेंगलुरु चले गए। प्रणम, सिंड्रेला हैज लॉस्ट हर शू। हाँ प्रणम, सीन द होल ऑफ मिरर्स।
मुगली आसम देखा है, उसमें शीश महल है। वैसे ही हमारा अकादमी में होल ऑफ मिरर्स हैं। वुड यू लाइक टू स्टेप इन? वुड यू? There was a little girl, she had mini six packs. She was engineered for high-end attacks. One day, she had a fall. It was beyond her core. Her spectacles fell off her nose and crumbled. Lord, now how to get the vision? How to get insight? As she had never ever visited the mirror line board. Come. Usta bolle aayo apni Malayalam. You mean to the sport, to the empowerment of little girls all over the country. Whatever you do from here, jo bhi karoge, yaad rakho, what Saina Nehwal means to the world. You are the single most important thing that has happened to young women in this sport, in this country. Yaad rakho, you are the tigress of India. And it will be my honor to be your coach. And to be standing by your side when you become world number one. Start now. Start immediately. अरे आज जो यहाँ पटाखे फूटे हैं और फिर तो बच्चों ने जो दम मचाया है, ओह, आप होते ना तो मजा आ जाता। और सुनो, हम तो ना बिना किसी तैयारी के आगे यहाँ पर वो कश्यप आ रहा है ना, है तो आप वो बड़ा वाला सूटकेस लेकर भर कर उसके हाथ भेजती हो, है अच्छा खासा इंतजाम है यहाँ तक। नंबर टू, आगे रास्ता कठिन था, मैंने तुरंत ही ट्रेनिंग शुरू कर दी और वो तो था ही मेरे साथ। नंबर फोर, मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, मेरा कश्यप।
25,920 घंटों का हिसाब चुकाना बाकी था। It was the second coming for me. Shuruaat slow, yet steady. Sign up on the comeback for you. Through to the Denmark Super Series quarterfinals. खाता खोल दिया China Open से। China wins the China Open Super Series finals. 6 महीनों में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग में इजाफा हो गया। मुझे तो लगा था कि अब वर्ल्ड नंबर वन बनना बहुत नजदीक है, पर कॉन्टिनेंट के उस पार एक और शेरनी थी जो तैयारी कर रही थी। देख 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 देख। कार्ला मार्टिनेज। कैसी जंगली बिल्ली की तरह चीख रहा है, कभी तो डरा दिया है सामने वाले ने और कभी रोक दिया है। अरे रिदम है तोड़ दिया है सामने वाले प्लेयर का, और ये एक बार रिदम टूटा तो समझो कॉन्फिडेंस छूटा है। अब किसकी हिम्मत है कि इसका आगे जीत जा। वो अपने बेस्ट फॉर्म में थी और जब सैयद मोदी टूर्नामेंट आया, वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए उसे हराना बहुत बहुत जरूरी था। पर सवाल ये था, उसे हराया जाए कैसे। Featuring Saina Nehwal of India versus Carla Martinez of Spain. It's a mouth-watering matchup between the two best women singles players in the world on Paris floor. आज दुनिया भर में बैडमिंटन खेलने का पूरा ध्यान इस मैच पर है। जी बेशक। And leading the way to the arena, here comes India's Saina Nehwal. Welcome by cheering. Here comes Saina's formidable opponent, Carla Martinez, the reigning women's singles world champion. अरे साइना और कार्ला दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं। जी बिल्कुल। इस मैच के विजेता की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल। हेड, हेड्स, हेड्स। यू विल कॉल? इट्स हेड्स। Toss is in Carla's favor. कोई और प्लेयर होता तो सर्व ले लेता, लेकिन उसने मेरी साइड ले ली। मैं समझ गई जंग छिड़ चुकी है। जानबूझ के साइड बदली है इसने, पहले से ही अनसेटल कर रही है। On my right, Saina Nehwal representing India, and on my left, Martinez representing Spain. Saina Nehwal to serve. Love all. Play. Martinez की बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। ये तो ऐसे ही खेलती है। Points one. Love. अनिल, Martinez के खेल की एक खासियत है। Aggressive और dominating play. Absolutely. Against Carla, an error here or there, and you're nowhere. Point one on. Is that a sign of nerves? Uh-oh, she's trying to break Saina's rhythm. Not all games are played on the board, are they? जंग के मैदान में नजर हटी ये दुर्घटना घटी। एक एक पॉइंट अब जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। साइना, फोकस, जस्ट फोकस। Carla,
जीत रहे हैं 21-19। इस गेम का स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स बैक ऑन कोर्ट प्लीज। तो बेहद संघर्षपूर्ण और रोमांचक गेम के बाद ये मैच अब तीसरी और निर्णायक गेम में जाता हुआ। साइना नेहवाल टू सर्व, लव ऑल प्ले। Points one, love. Saina Nehwal ki achhi shuruaat. That's a fitting response by Carla Martinez. जिस तरह से चीख रही है ना, क्या वो साइना के कॉन्सेंट्रेशन पर वार नहीं है? Absolutely. Saina's got to do everything in her power to filter those streaks out. Martinez leading 13-9.
द्वारा उच्चतम कोटि की बैडमिंटन का प्रदर्शन। तो एक ही है लेकिन उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले बहुत गंदे होते हैं। वो काम सामने दिखता है, ऐसे में बेधड़क छलांग लगानी चाहिए, फिसल कर गिर पड़े तो वही कंधे संभाल लेंगे। लेकिन अगर मटकी तक पहुंचे और फो डाली तो इतिहास रच दोगे। मार्टिनेज का चैलेंज कॉल और पूरा स्टेडियम शांत। Thank you.
इट्स इनफ। लेकिन नहीं, ये काफी नहीं होता। एक एथलीट के साथ जुड़ी 125 करोड़ आशाएं, उम्मीदें उसे रुकने कहां देती है। Repeating itself again and again and again. और ऐसे टाइम पर आपके अपने आपके साथ रहते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका परिवार, दोस्त, फ्रेंड्स, Actually, I think I should go now. मेडल की जो असली हकदार है उन तक पहुंचा देती हूँ। Thank you, everybody. जहाँ जी